तो आज मैं लेके आ चुका हूँ दो बहुत ही ज्यादा स्केरी और हॉरिफाइंग व्हाट्सएप चैट्स, एंड आज आसपास का माहौल भी एकदम सेट है। तो यस एवरीवन, तुम्हारा स्वागत है इन अनदर हॉरर व्हाट्सएप चैट स्टोरीज की वीडियो। एंड आज वाली चैट्स थोड़ी ज्यादा ही हो सकती है खतरनाक, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आ जाओ पढ़ते हैं इन्हें साथ में, एंड तक बने रहना, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ मुझे पता चला तुम में से आधे लोग डर जाते हो, तो यस अच्छी बात है, मेरे को भी डराता है, तुम्हें भी डरना चाहिए। एंड यस, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक बहुत ही प्यारा सा लव सॉन्ग बनाया है जिसका नाम है दूरी। तो यस, तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद तुम आराम से जाके उसे सुन सकते हो, बहुत चिल सॉन्ग है, तुम सुनोगे तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। ये लो थोड़ा सा सुनो। ये दूरियां मिलके मिटा, ये दूरियां। तो यस, वीडियो देखने के बाद जरूर जाना एंड अपना सपोर्ट दिखाना इस गाने को, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो ये जो सबसे पहली हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी है इसका टाइटल है फॉरवर्ड। अब आई डोंट नो इसमें क्या फॉरवर्ड हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो कि ऑब्वियसली अभी स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा हमें। सो यस, लेट्स स्टार्ट डे वन। एंड यहाँ पे बात हो रही है अवनी के साथ, और भाई अवनी ने आते ही एकदम से इतना सारा मैसेज, फॉरवर्डेड मैसेज है ये। ठीक है, ये कर्स्ड वीडियो अंजलना नाम की लड़की का है, उसे एक डीमन ने पोजेस किया था और 7 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आगे शेयर कीजिए, अगर आपने शेयर नहीं किया तो आपको डीमन पोजेस कर लेगा और 7 दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी। Oh no, so this is that kind of video. वो डीमन आपकी सोल को अपने साथ हेल में ले जाएगा और आप हमेशा के लिए नरक की आग में जलेंगे। अरे अवनी, तुझे क्या हो गया अचानक से ये? एंड अवनी ने ये वाली वीडियो भेजी है, लेट्स सी। I was not ready for this audio. But that is creepy. Wait, open up, open up. Bro, what? अबे ये क्या है, तो वीडियो नहीं खत्म हो रही। Oh no. Oh bro, this is bad. What? Dude, what the hell was that? अवनी तू पागल है? गधी गई थी? ये क्या भेज रही है? एंड सामने से मैसेज आता है। ये क्या है? लोग कुछ भी शेयर करते रहते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि ये वीडियो कर्स्ड है और इसे शेयर ना करने से कोई डीमन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा? सामने वाले दोस्त, तुम जो भी हो, आई डोंट थिंक सो, तुम्हें मजाक में लेना चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने देखी है अभी, ट्रस्ट मी, मैंने वॉल्यूम म्यूट पे रखा हुआ है, मेरे को फिर भी बहुत अजीब लग रहा था। देन अवनी लिखती है, अरे यार मेरी एक फ्रेंड है रागिनी, उसको ये वीडियो उसकी डेड कजन के मोबाइल में मिला था। नो भाई, अबे मामला ऑलरेडी इतना सीरियस है? उसने मुझसे शेयर किया तो मैंने तुमसे शेयर कर दिया। कैसी फ्रेंड है तुम्हारी, तुम पर ही कर्ज डाल रही है। अरे तुम, सामने वाले इंसान को बहुत हंसी आ रही है, इतना मजाक में नहीं लेना चाहिए चीजों को। मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आगे पता चलेगा, रुक जाओ बेटा, बस अभी शो चालू होने दो। देन अवनी लिखती है, भरोसा तो मुझे भी नहीं है ज्यादा, बट रिस्क क्यों लूं, तुम भी शेयर कर दो आगे। देन सामने से मैसेज आता है, नो, मुझे ऐसी अफवाह आगे फैलाने का कोई शौक नहीं है, मैं भी देखती हूँ कौन डीमन आता है मेरे पास। तू देखने लायक बचेगी तब ना। मुझे तो रिस्क नहीं लेना, वैसे भी वो अनिका है ना जो इन सब बातों के बारे में रिसर्च करती है, वो भी कहती है कि बिलीव ना भी हो तब भी इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अवनी, तूने क्यों छेड़छाड़ की है? पागल है, ऐसी चीजें क्यों शेयर कर रहे अपने दोस्तों में? भाई तुम पागल हो, ऐसी चीजें कभी भी अपने दोस्तों में नहीं शेयर करनी होती है। हेलो, दैट्स बेसिक डिसेंसी। ओके, डे 3, अवनी का मैसेज आया, हाय अक्षिता। ओके, सामने वाली का नाम अक्षिता है, ऑफिस क्यों नहीं आई आज और कल? देन अक्षिता लिखती है, तबीयत खराब है यार। क्या हुआ? कल सुबह से ही सर घूम रहा है। ओ तो उसे मना करो घूमने के, सॉरी, कुछ भी खाओ तो उल्टी हो जाती है और स्किन पर अजीब से रैशेज आ गए। अक्षिता जी, द शो इज ऑन, और ले लो पंगे, और लो मजाक में। डॉक्टर को दिखाया? हाँ आज गई थी, दवाई दी है डॉक्टर ने, लेकिन आराम नहीं मिला अभी, धीरे धीरे आराम मिलेगा। हाँ सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मम्मी को बुला लूँ, यहाँ अकेले में सही नहीं लग रहा। हाँ बुला लो, बाकी कल की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाओगी क्या तुम? मुझे अकेले ही प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी क्या? ?? हेलो अवनी यार, अभी तुमसे बात करते टाइम मुझे बाहर से टीवी की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैं बाहर गई तो वो वीडियो जो मुझे तुमने भेजी थी टीवी पर चल रही थी। तू मत चलने लग गयो। ब्रो व्हाट? ओके अक्षिता इज स्क्रूड। व्हाट, तुम्हारा मोबाइल टीवी से कनेक्ट रहता है क्या? नहीं, इनफैक्ट मैंने तो कल से टीवी ऑन ही नहीं किया है, मेन स्विच से बंद था। क्या बात कर, क्या मेन स्विच से बंद था टीवी?
टीवी चल पड़ा अपने आप। एंड द वियर्ड पार्ट इज टीवी पे जो वीडियो अपनी ने भेजी थी वो कैसे चल पड़ी भाई, बंद टीवी अपने आप कैसे चल पड़ा, यही वियर्ड है। तुम्हारा मतलब ये वीडियो अपने आप टीवी पर चलने लगा? पता नहीं अक्षिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो इस वीडियो की वजह से हो रहा है? उस पर जो कर्ज था वो तुम्हें लग गया क्योंकि तुमने आगे शेयर नहीं किया? कितने खुश होके बता रही है ना तू अपनी, है ना, गली नहीं की। हो सकता है वो डीमन तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, दैट्स इम्पॉसिबल। उसमें लिखा था कि अगर तुमने वीडियो शेयर नहीं किया तो। अपनी यार मैं पहले से परेशान हूँ, ये बहकी बहकी बातें करके मेरा दिमाग और मत खराब करो। देन अवनी लिखती है ओके भाई, अक्षिता गुस्सा हो गया, आई मीन ऑब्वियसली कोई भी गुस्सा होएगा। एंड देन डे 6 ओके, 3 दिन बाद, अवनी तुमने जो मेल्स आगे भेजने को कहे थे भेज दिए मैंने, थैंक्स। तुम काम की टेंशन मत लो, जब मैं तुमसे मिलने आई थी तब तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही थी, तुम बस आराम करो। भाई अवनी इज काइंड ऑफ स्वीट, नाइस, गुड, लेकिन जो तूने पहली प्लेस पे किया वो भी ना करती अवनी। कैसा आराम अवनी, मेरी हालत तो और बिगड़ गई है, पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ओके, तो अक्षिता की भूख एपेटाइट सब मर चुकी है, और अब तो मेरी बॉडी जैसे जीते जी सड़ने लगी है। हैं, सड़ने लगी है? ओके फोटो भेजिए। ओ वो ओके, खाल उतर रही है इसकी। ऐसे बचपन में हम फेविकॉल से किया करते थे ना, तुम में से किस किसने किया है बताना जरा। मैं तो बहुत करता था भाई, फिर फेविकॉल खत्म हो जाती थी, डांट पड़ती थी। मैं अपनी खुद की बॉडी पर से कंट्रोल खो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। ओह माय गॉड अक्षिता, ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा, अचानक से किसी के साथ ऐसा होता है? आई डोंट नो यार, एक्चुअली मैंने अनिका से तुम्हारी सिचुएशन डिस्कस की है, शायद वो आज तुम्हें मैसेज करे, उसकी क्या जरूरत थी, ऐसी सिचुएशन में हर तरह की हेल्प लेनी चाहिए, आखिर हर्जी क्या है। भाई अवनी तू सच में इतनी स्वीट है या तूने उसे फंसा दिया इसलिए स्वीट बन रही है, ताकि वो तेरे ऊपर गुस्सा ना करे या बात तेरे ऊपर ना आए? आई मीन सोच के देखो, अवनी अगर इतनी स्वीट होती, उसे इतनी परवाह होती अपने दोस्तों की, तो वो फर्स्ट प्लेस पे वो चीज ही ना भेजती ना। एंड देन अक्षिता लिखती है यू आर राइट दैट इवनिंग। ओके शाम को क्या हुआ, लेट्स सी। एंड अब बात हो रही है अनिका से, जो कि इन चीजों में थोड़ी नॉलेज रखती है और इन चीजों के बारे में थोड़ा जानती है। देन अनिका लिखती है हाय अक्षिता, अवनी ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट हुई? हाय अनिका, नहीं मेरी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्स्ड वीडियो की वजह से हो रहा है? यार अक्षिता, लेट हर हेल्प यू, एटलीस्ट वो बात करने आई है, तू सीधा ये सब नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। अक्षिता, किसी बात पर अंधविश्वास करना गलत होता है, लेकिन किसी बात को बिना सोचे समझे नकार देना भी गलत होता है। ओ भाई साहब, ओके अनिका, यू गुड? अनिका थोड़ी मच्योर लग रही है। ओके अगर ऐसा है तो मैं वो वीडियो शेयर कर देती हूँ, वैसे भी आज 6th डे है, थोड़ा रुक जाओ। अगर वो वीडियो सच में कर्स्ड है तो हमें उसके बारे में और डिटेल में पता करना चाहिए। मैं कुछ एक्सपर्ट्स को जानती हूँ जो ऐसे कर्स्ड और डिमोनिक चीजों की जानकारी रखते हैं, शायद उनसे बात करके इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, बस तुम हिम्मत मत हारना। एंड देन अक्षिता लिखती है ओके थैंक्स। ओके डे 7 हैज अराइव्ड, एंड इफ यू रिमेंबर उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर नहीं शेयर किया तो 7th डे में बाय बाय, लेट्स सी क्या होगा। अनिका का मैसेज आया, अक्षिता मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, सो रही थी, तुम अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट हो क्या? ओ ब्रो अक्षिता हॉस्पिटल में एडमिट हो गई? ओ नो, कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गई इसकी। हाँ क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत रिसर्च की और कई लोगों से बात की, तब पता चला कि ये वीडियो सच में कर्स्ड है, एक डीमन इसकी मदद से न्यू सोल्स ढूंढता है, ये कर्स्ड बहुत पहले से चल रहा है, वीडियोस के इन्वेंशन पहले फोटोग्राफ्स और उसके भी पहले पेंटिंग से खुद को अटैच करके ये डीमन शिकार करता था। Bro, what? That is crazy. Oh my God. इसका मतलब सच में मुझ पर डीमन का साया है, आज 7th डे है। अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो किसी अनजान आदमी को आगे शेयर कर दिया, वरना वो डीमन आज मेरी सोल को अपने कब्जे में कर लेता। What did you do, Anim? क्या अबे अक्षिता पागल है? ओके प्लॉट ट्विस्ट, 7th डे पे अक्षिता ने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। अब देखते हैं भाई ये कौन है, अब ये कौन फंसा है। देन अनिका लिखती है व्हाट, तुमने वो वीडियो शेयर कर दिया? वही तो नहीं करना था। क्या मतलब? मतलब कि वीडियो के साथ जो मैसेज आया था वो झूठ है, डीमन वीडियो शेयर ना करने वालों को नहीं बल्कि शेयर करने वालों को मारता है। ओह नो ब्रो, व्हाट भाई, दैट इज क्रेजी भाई, डीमन तो खेल गया। तो एक्चुअली में जो मैसेज शेयर नहीं करते वो उन्हें नहीं, जो शेयर करते हैं उन्हें पकड़ता है। तो क्या मतलब इसकी पहली फ्रेंड भी गई होगी? ब्रो ओके लेट्स सी। तुम्हें पता नहीं कि अवनी और रागनी की आज सुबह एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? हैं? ओके ओह नो भाई, दिस इज बैड। उनके वीडियो देखने के ठीक 7 दिन बाद, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने वो वीडियो शेयर किया। ब्रो एग्जैक्टली नहीं करना था। क्या? It doesn't make any sense. कर्स को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर होना जरूरी है। Bro, that's crazy. क्या दिमाग लगाया जिसने भी ये टेक्निक भाई? That is bad.
दैट इज बैड। मैं बार बार बोलूंगा दैट इज बैड। डीमन तब तक किसी को नहीं मारता जब तक कि वो वीडियो को शेयर करके कर्ज को आगे ना बढ़ा दे। लेकिन इतने दिन से मेरे साथ जो कुछ हो रहा वो सब क्या था? वो डीमन 7 दिन तक वीडियो देखने वाले को डराता है, परेशान करता है ताकि विक्टिम डर के वीडियो शेयर कर दे। एक बार शेयर करने के बाद कर्ज किसी और पर चढ़ जाता है और विक्टिम की जरूरत खत्म हो जाती है, तब डीमन उसकी सोल ले जाता है। इससे बचने का कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है अक्षिता। कि कोई तरीका नहीं है, चुप रहा है अब। हाँ, नहीं तो उठा के शेयर कर दिया। अरे भाई इतना अच्छा खासा स्टार्टिंग से, आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इतना बढ़िया दिमाग लेके चल रही थी एंड मैं हक दिया। अगर कोई वीडियो देखने के 7 दिन तक उस डीमन का टॉर्चर सह लेता है और वीडियो शेयर ना करे तो कर्ज टूट जाता है एंड वीडियो का असर खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने तो वीडियो शेयर कर दिया है। काश तुम आज और रुक जाती, तुम बचने के बहुत करीब थी लेकिन तुमने खुद से ही अपनी मौत को गले लगा लिया। अबे यार अनिका, तू ये शायरियां मारना बंद करेगी क्या? अब मेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं सॉरी, आज तुम्हारे 7 दिन पूरे हो जाएंगे। उस रात हॉस्पिटल की खिड़की से गिरकर अक्षिता की मौत हो गई है। That is the lamest way to die. Okay, अक्षिता ने वैसे बोला था कि उसकी बॉडी के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, तो शायद हो सकता है ये सब कुछ डीमन ने करवाया हो। Okay, I take my words back. That is not the lamest way to die. ठीक है भाई, sorry. All right, I am already traumatized. लेकिन चलते अपनी second story पे. Okay, so इस story का title था खिलौना। Let's just start. One evening, okay, लक्की भैया का मैसेज आया, किसी दुकान की फोटो भेजी उन्होंने जो आई थिंक सो बंद है। एंड देन लक्की भैया लिख रहे हैं, अभी 5 भी नहीं बजे और तूने दुकान बंद कर दी। तुझे कहा था ना कि 9 बजे से पहले दुकान बंद मत करना, ऊपर से तू फोन भी नहीं उठा रहा है। सर मैं 5 बजे के बाद दुकान पर अकेला नहीं रुक सकता, आप चाहो तो सैलरी काट लेना। ब्रो व्हाट हैपेंड? अबे ऐसा क्या हो जाता है 5 बजे के बाद? तुझे दुकान चलाने के लिए रखा है या जुबान लड़ाने के लिए? तुझे कल भी कहा था ना कि अगर ये नौकरी करनी है तो मेहनत से काम करना पड़ेगा, नई दुकान ऐसे आए दिन बंद रहेगी तो चलेगी कैसे? सही बात है लकी भैया, सही बोल रहे हैं। सर मैं पहले भी आपकी पुरानी खिलौनों की दुकान पर काम कर चुका हूँ, आप जानते हो कि मैं मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन ये नई दुकान, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तू फिर शुरू हो गया? अरे लकी भैया समझ लो यार, सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसकी बात को कंसिडर कर लो। अगर वो बोल रहा है पहली वाली दुकान पे भी काम किया, मेहनत करता था, इस वाली में गड़बड़ है, तो समझ लेना कुछ है यार। ये लोग मेरे को बड़े बेकार लगते हैं जो बातों पे विश्वास नहीं करते। सर प्लीज मेरी बात मानिए, यहाँ के खिलौने अपने आप अपनी जगह बदल लेते हैं। ओह नो, अपने आप चालू हो जाते हैं, कभी कभी लगता है जैसे आपस में बात कर रहे हो। टॉय स्टोरी, हर बार टॉय स्टोरी नहीं होती है भिक्षु। मैं अंधेरा होने के बाद इस दुकान में नहीं रुक सकता। तू नशा करता है क्या? अबे लक्की भैया ये कैसे क्वेश्चन हुआ यार? वो बंदा इतना स्वीट है, इतना सिंपल लग रहा है वो। भाई बदतमीजी कर रहे हो लक्की भैया आप, और एक तो वो सर सर करके बात कर रहा है। डूड मेरी नई दुकान का नाम खराब कर देगा तू तो, कौन माँ बाप फिर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने आएगा यहाँ से? मैं सच कह रहा हूँ, बकवास बंद कर और अभी वापस आ दुकान पर, वरना नौकरी से हाथ धो लेगा। सर प्लीज मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, तो वापस आ और मेहनत से काम कर। आज तो मैं भी रात तक रुकूंगा ये देखने के लिए कि तू कैसे काम करता है। ओके नाइस, ठीक है आजो लक्की भैया, तुम भी देख लो, अगर कुछ गड़बड़ होगी, सामने वाला बंदा सच बोल रहा है तो आप भी फंसे। फ्यू डेज लेटर, अरे सीधा फ्यू डेज लेटर, ठीक है चलो। धवज भैया को मैसेज किया इसने, हेलो भैया अब लक्की सर की हालत कैसी है? लक्की सर को क्या हो गया? पहले जैसा ही है राजू। ओके मेन कैरेक्टर का नाम राजू है, ठीक है। कोई भी उसके पास जाता है तो चीखने लगता है। व्हाट? ओह नो भाई, लक्की भैया इज बैड। कहते हैं कि खिलौने उन्हें मार डालेंगे, वो खिलौनों को कंट्रोल करती है, पता नहीं क्या नाम शनाब। डॉक्टर उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिडेटिव दे रहे हैं। ये क्या होता है सेडेटिव, क्या होता है? पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। देन राजू लिखता है, भैया एक बात कहूँ, ये सब अपनी नई दुकान के खिलौनों की वजह से हो रहा है, वो खिलौने अपने आप चलने लगते हैं, उनमें कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये राजू को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। राजू इतनी स्वीट तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा है सबको। भैया वो खिलौने अपने आप चल लेते हैं, मान लो ना। उनमें कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जब मैं दुकान से निकला तब भैया वहीं थे, मैंने उनसे साथ चलने को कहा तो उन्होंने बोला कि वो हिसाब पूरा करके निकलेंगे। उसके बाद मैं घर आ गया और दूसरे दिन भैया दुकान में ऐसे पागलपन की हालत में भंड मिले हैं, अच्छा बंद मिले। हो सकता है ये सब उन खिलौनों की वजह से हुआ हो। मैं वही सोचूं भाई, खिलौनों से कौन भंड हो जाएगा, अलग ही खिलौने बेच रहे हो भाई फिर तो तुम। देन ध्वज भैया लिखते हैं, मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। अरे ध्वज भैया आप भी अक्षिता जैसे मत बनो यार, ठीक है बन लो, बट जरूरी नहीं है ना अक्षिता जैसी चीज आपके ऊपर हो, तो यस मत बनो, भरोसा करो। लेकिन उस रात लकी ने मुझे ये वीडियो भेजा था। अबे यार वीडियो भेजा था, एक और वीडियो, ठीक है देखते हैं, दिखाओ भाई तुम वीडियो दिखाओ। और कॉल करके कहा कि दुकान की चीजों में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। तो ध्वज भैया तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है? ओके लेट्स जस्ट सी द वीडियो फर्स्ट। ओके दिस इज द वीडियो 15 सेकंड की है भाई, लेट्स सी। ब्रो
सारे खिलौने बोल रहे हैं अपने आप ही। ध्वज भैया क्या आप गधे हो है? लेकिन हमारी दुकान खुलने के पहले जो कपड़ों की दुकान वही थी, उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे तो वहाँ काम करने में भी बहुत डर लगता है। राजू तुम डरो मत, मन में वहम मत पालो। लकी भैया के साथ जो हुआ वो दिमाग की कोई बीमारी भी हो सकती है, तुम तो नॉर्मली अपना काम करो बस। अरे ध्वज भैया यार तुम समझते नहीं हो है? ध्वज भैया तुम कमाल के बंदे हो यार, कमाल है यार, कमाल है। आफ्टर फ्यू मोर डेज ओके, ध्वज भैया को फोन पे फोन कर रहा है राजू। भैया कॉल उठाओ, मैं दुकान पे आया सुबह सुबह, ये लोग बता रहे कि दुकान खाली होनी है। हैं? क्या हो रहा है? अरे राजू, ओए राजू, दुकान ना जाइयो, जाइयो। सॉरी। तुम्हें अब उस दुकान पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम वहाँ का सारा सामान फिकवा रहे हैं। क्यों? मैंने पता किया कि उस दुकान पर माल कहाँ से आया था, तो पता चला कि ये सीधे फैक्ट्री से नहीं आया था, बल्कि एक पुराने दुकानदार ने भैया को ये बेचा था क्योंकि उसे खुद की दुकान बंद करनी थी। ब्रो ओके, तो आई थिंक सो जो दुकानदार है जिसने लकी भैया को सामान भेजा है, वो अपनी दुकान से छुटकारा इसलिए पाना चाह रहा था क्योंकि उसे पता लग गया था ये टॉयज कर्स्ड हैं, और वो सारा का सारा ब्लेम लकी भैया पे आ गया। भाई क्रेजी। उसके और उसकी वाइफ का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने खिलौने की दुकान खोली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ की एक लंबी बीमारी के चलते डेथ हो गई। उसकी डेथ के टाइम इनमें से कई खिलौने उसके पास थे। तो आपको अब यकीन हुआ कि इन खिलौने में कुछ गड़बड़ है? हाँ, इसके अलावा भी कुछ है। याद है लकी भैया के साथ जो हुआ था, उसके बाद हमने दुकान पर सीसीटीवी कैमराज लगवाए थे। अरे मेरे को नहीं देखनी फुटेज भाई, मेरे को देखनी नहीं। I'm good. मेरे को तुम फुटेज दिखा के ना, मेरे मन में वहम पलवा दोगे। देन राजू लिखता है, हाँ उनमें से एक ने ये फुटेज रिकॉर्ड की। Here we go, 20 सेकंड की फुटेज। Let's go भाई, let's go। क्या है? What? ये दुकान पे भाई मैं तो कभी खिलौने ना लेने जाऊं। तो ये क्या हो रहा है? Oh no. Oh my God. भाई आंटी आ गई अपने खिलौने वापस लेने, दे दो उन्हें उनके खिलौने वापस। ये क्या है भैया, ये सच में हुआ? ये सच में वहाँ रहती है? मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। ये दुकान खोलकर रखना बेवकूफी होगी। तुम वापस से पुरानी दुकान पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो भाई। चलो एटलीस्ट राजू भाई की जॉब तो नहीं ली। दैट्स नाइस। उन खिलौनों को जला दिया गया। लंबे इलाज के बाद लकी ठीक हो गया। अबे ओके, दिस वाज अ नाइस स्टोरी, बट जो क्लिप्स और वीडियोस थी That was enough for me. So yeah, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो कम से कम थोड़े गुड नोट पे एंड हुई ये वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। Till then, peace out. Yeah. अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा I swear, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।